नमस्कार सज्जनों, हम पति पत्नी सीनियर सिटीजन हैं और हम मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में हैं। मैं काम करता हूँ, ये मेरी पत्नी घर में रहती है, कभी कभी मेरे साथ चली जाती हैं। हम जिस जगह किराए के मकान पर हैं, हमारा मकान मालिक अभी ये लॉकडाउन और इस आने वाले बरसात के मौसम, आज का दिन है ईद का 25 मई 2020, तो वो हमने मकान लिया था 8 मई, उसके पहले लिया था, पैसे तो हमने मार्च में दिए थे पूरे पैसे 2.5 लाख रुपए, और फिर हमारी उसने बड़ी मुश्किल से ले दे के हमारी जो रजिस्ट्री की वो उसने की 8 मई 2019 को, मार्च 2019 और मई 8 2019, इतने गैप के बाद बड़ी मुश्किल से उसने रजिस्ट्री की, और हमने कहा था कि कोर्ट में रजिस्ट्री होगी और 22 महीने के लिए होगी, लेकिन उसने नोटरी किया और सिर्फ 11 महीने के लिए किया। अभी वो हमारे घर में अचानक वो लोग घुस आए हैं, इस लॉकडाउन का फ़ायदा लेते हुए, आने वाली बारिश का फ़ायदा लेते हुए, और हम निस्संतान हैं तो हमारे अकेलेपन का फ़ायदा लेते हुए वो मकान मालिक और उनके 6 परिवार के सदस्य अपने सामान के साथ हमारे रूम में चले आए हैं, हमको पैसा नहीं दे रहे हैं, हमारा 2.5 लाख वापस नहीं कर रहे हैं, और अब हमको कह रहे हैं कि तुम यहाँ से जाओ दूसरे रूम जहाँ हम तुमको यानी वो हमको रखेंगे और वो उसका किराया देंगे। जो आदमी अभी हमारे साथ कुछ नहीं कर रहा है, हमारे साथ सिर्फ निगेटिव कर रहा है, हमको सिर्फ तकलीफ़ दे रहा है ताकि हम ये घर छोड़ के चले जाएं बारिश से डर के, उनकी गाली गलौज मार हार और दादागिरी और धोखेधड़ी से परेशान होके, तो उसके ऊपर हम कैसे भरोसा कर लें कि वो हमारा किराया देता रहेगा जब तक हम वहाँ रहेंगे। वो बोलता है हमारे पास पैसे नहीं है, जब पैसे होंगे तो हम पैसे दे देंगे, अभी आप यहाँ से जाओ। जब हमारा पैसा ऑलरेडी दिया हुआ है पक्की लिखा पढ़ी के साथ, तो वो कैसे हमारे घर में आ गए और क्यों हमको यहाँ से निकाल रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी सोचने की बात। हम कई बार 7 अप्रैल से आज तक हम लगातार 15-20 बार में पुलिस स्टेशन, बांगुर पुलिस स्टेशन जिसके अंदर हमारा एरिया आता है, गोरेगांव मुंबई में, गोरेगांव वेस्ट मुंबई, हम वहाँ कई बार गए। पुलिस हर बार यही कहती है कि अभी लॉकडाउन, हम कुछ नहीं कर सकते, जाओ यहाँ से। एक पुलिस इंस्पेक्टर तो हमको गाली दे के, डांट के, मारने की धमकी दे के भगा दिया। मैं उसके पास 3-3 बार गया, हर बार मैं जाता था किसी और आदमी, किसी और सब इंस्पेक्टर के पास जाने के लिए, लेकिन हर बार वही मिलता रहा, और फिर उसने धमकी दी कि अगर तुम वैसा किए तो तुमको मार पड़ेगी, हम मार देंगे, तुम खबर ला आया हूँ। इसलिए अब मैं आपके सामने आया हूँ ताकि आप कुछ करें, जो सुधी जन हैं, जो सक्षम लोग हैं, जिनको समाज के प्रति एक जिम्मेदारी महसूस होती है, जो ऐसी बुराइयों को, ऐसी धोखाधड़ी को, ऐसी अपराधी गतिविधियों और अपराधियों को जो समाप्त करना चाहते हैं और समाप्त कर सकते हैं, उनके लिए हमारी जान बचाने के लिए, क्योंकि ऐसी बारिश में उन्होंने हमको जो पीछे हमारा सब सामान कर दिया, जहाँ खुला है, कोई पर्दा नहीं, कोई दीवार नहीं, कोई छत नहीं, हमारा सब सामान खराब हो जाएगा बारिश में, हम मर जाएंगे सर। अभी देखिए ना, अभी हमारे साथ करने, कल आप किसी के साथ हो सकता है। हम फिल्म इंडस्ट्री से हैं, फिल्म इंडस्ट्री हमारे साथ आए, हमको बचाए, तो हम कहाँ जाएंगे, हम बूढ़ा बूढ़ी। प्लीज़, थैंक यू वेरी मच। मेरा नंबर है, मेरा नाम है B.R. साहू, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8655213923, और हमारा एड्रेस है केयर ऑफ राजेंद्र प्रसाद चौहान, जो हमारा मकान मालिक है, वो और उसके बच्चे हमें परेशान कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, हमारे साथ गुंडागिरी कर रहे हैं, और हमें बिना पैसे हमको वापस निकालना चाहते हैं। तो वो राजेंद्र प्रसाद चौहान लाल मिट्टी में रहते हैं, लक्ष्मी नगर, गोरेगांव वेस्ट, बांगुर नगर पुलिस स्टेशन के अंदर आता है। लक्ष्मी नगर इज़ क्वाइट फेमस एरिया, लाल मिट्टी भी उसके अंदर एक खास एरिया है। थैंक्स अ लॉट, प्लीज। फोन सर कि मैं उनको रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया,
आपको शेयर भी नहीं कर पा नंबर को, और आप सबने मिलके मुझे जो सपोर्ट किया मॉरली एंड ऑन फ्री ऑन फ्लोर जो फील्ड में जो होना चाहिए ऑन द फील्ड, एक एक चीज मेरा सारा जो मेरा जो दर्द था वो खत्म हो गया, और जो पीड़ा थी वो न सिर्फ खत्म है बल्कि उसको खत्म होने का उसका इलाज शुरू हो गया है। थैंक यू सर। मैं परेशान था सदन की, मेरा जो वीडियो है वो वायरल हो गया और आप लोगों ने सभी ने देखा, और आप सभी लोगों ने न सिर्फ देखा उस पर आप लोगों ने उसको दिल से फील किया। एक नॉन सिंचा मेंबर्स के लिए सिंचा फैमिली ने जिस तरह से कदम आगे बढ़ाया और उसको सपोर्ट किया मुझे, आई एम वेरी 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 मच थैंकफुल टू यू ऑल। मुझे रोना आ रहा है न सिर्फ मुझे अपने पास बुलाई, मुझे अपने पास बैठाया, मुझे पूरी तरह से सुना समझा, मेरी एप्लीकेशन ली, जो मेरी एप्लीकेशन को मुझे देखते तक नहीं थे, सीधा बोलते थे कि नहीं 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 बाद में आना बाद में आना, वो मेरी एप्लीकेशन ली और फिर उसमें तुरंत एक्शन लिया। वहाँ के जो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर है ही विजिटेड माई फ्लोर माई रूम, आपको मैं दिखाता हूँ, लगता है फंसा हुआ हूँ यहाँ पर, आपको शायद दिखता होगा, देखिए मैं दिखा रहा हूँ जी दिख रहा। और फिर वो पुलिस यहाँ आई और जो मकान मालिक के जो लड़के ले गए हैं जो भाईगिरी कर रहे थे मेरे साथ, उनको समझाया, लड़के समझ गए और आज से कुछ वो काम शुरू किए हैं और देखिए क्या होता है। मेरा वीडियो बंद हो गया है। नहीं सर, अच्छा मेरा फेस आपको नहीं दिख रहा है वो मेरे वीडियो में, मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम है ना, मैं अभी आप दिख रही हैं। हाँ वो तो मैं मोबाइल में प्रॉब्लम जी, जहाँ से भी आपको होगा फ्रेंड्स का मैं नहीं कर पा रहा था, और दिल की तमन्ना थी कि आपने मुझे फोन किया वीडियो कॉल किया, तो मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। देखिए ये ऐसी जगह है, ये हमारे सत्ता शुरू में ये हमारा सामान है, कुछ उधर है कुछ इधर है, ये सब इस तरह से मामला है जी, क्या करें। तो ये है कि मजबूत पार्टी है, बड़ी ढीठ पार्टी भी है, मजबूत अगर ढीठ है तो धीरे धीरे काम कर रहे हैं, करेंगे करके देंगे। आज करने को बोला था लेकिन वो आज नहीं हुआ, तो हम सामान भी हरा लिए। ये देखिए ये सामान हमने, ये देखिए जमीन टूटी हुई है, आगे भी ये सीढ़ी एक बार गिर चुकी है फिर लगा दी गई है। तो उन्होंने काफी कोऑपरेट तो किया आपको, है ना? अब हो रहा है और हो जाएगा, और बस मेरी आप लोगों से यही उम्मीद है और विनती भी है, क्योंकि क्योंकि विनती से ज्यादा उम्मीद है मुझे कि आप लोग इस जंग को, छोटी सी जंग है मेरे लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि मेरे जान पे आ गया था, हम पति पत्नी के विनीता मैम को नमस्ते तो करो, ये लोगों का भंकार नहीं जो नमस्ते मैम। तो इन्होंने जो है आप लोग जो जिसम से ले रहे हैं, तो निवेदन से ज्यादा मुझे उम्मीद है कि इसको पूरा कराने के बाद ही आप लोग अपने दम लेंगे, और जब तक इनके पीछे लगेंगे नहीं पूरा होगा नहीं। जी जी बिल्कुल, सब कुछ हो जाएगा। अब आप कंफर्टेबल है ना, अब आप कंफर्टेबल है ना, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? मैंने पूछा आप अब कंफर्टेबल है ना? ओके, अब मुझे उम्मीद है कि सारा कुछ ठीक हो जाएगा आप लोगों की वजह से, आप लोगों की जो सिंचा की अपनी जो फीलिंग है, जो कलाकार दिल से बड़ा ही नाजुक होता है और बड़ा ही सिंसियर होता है, बहुत ही वो सेंसिटिव होता है, वो सेंसिटिविटी यहाँ पर प्रैक्टिकली मेरे साथ आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा प्रॉब्लम आप लोग के जरिए सॉल्व हो जाएगा। सिंचा के लिए नहीं सर, इसका लेना देना मेंबरशिप से नहीं है बिल्कुल, उसका कोई कनेक्शन नहीं है।
घनश्याम श्रीवास्तव जी ने जो आपसे कांटेक्ट किया था वो मेंबर होने की वजह से नहीं किया था, उसमें उनके मन में ये बिल्कुल नहीं था। एक्चुअली आपका ये वीडियो मनोज जोशी जी को किसी ने जी हाँ मुझे अब आप ये बताएं कि आपका जो मकान मालिक आपको परेशानी दे रहा था वो अब नहीं है ना, जो आपको परेशान कर रहा था मकान मालिक? हाँ जी वो अब बंद हो गया है। हाँ जी अब आप बस अपना मनोबल संभालिए, बिल्कुल कमजोर मत पड़िएगा, हम सब साथ ही हैं, ठीक है? बिल्कुल नहीं, आप लोग हैं तो मैं कमजोर कैसे रहूंगा जी। बिल्कुल आप लोगों ने मुझे सपोर्ट तो किए ही करे, उसके लिए मैं हिंदी में ज्यादा बोलूंगा मदद है। आप लोग मेरे साथ नहीं है, आप लोगों ने मुझे अपने साथ ले लिया। सपोर्ट तो ठीक है, जो प्रोटेक्ट करना जो है वो हुआ है। आई एम वेरी वेरी मच थैंकफुल टू यू ऑल, वेरी वेरी मच ग्रेटफुल टू यू ऑल। आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर दिस वीडियो कॉलिंग कि मैं आई एम एक्सप्रेसिंग, आई एम एबल टू नाउ एक्सप्रेस माय फीलिंग्स टू यू ऑल। थैंक यू सर। जी कर रही हूँ। जी बिल्कुल बढ़ेंगे सर, अपना मन संभालिए, आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, हम सब साथ हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व ही होगी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो शायद गलतफहमी ना हो जाए कि मेरे थिएटर्स के जो डायरेक्टर्स हैं, दे टच माय फीट, ये गुरुओं की कृपा है, मेरा कुछ नहीं है, गुरुओं की कृपा का आशीर्वाद है माता पिता का जी। और उन डायरेक्टर्स का बराबर है कि वो अपने एक एक्टर का पैर पड़ रहे हैं, तो इस लेवल का मेरी सिंसियरिटी है काम के लिए, और मैं चाहूंगा कि वो आगे बढ़े आप लोगों के सहयोग से। क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, धन्यवाद कहने से काम नहीं चलेगा। आप फिक्र मत कीजिए, आपका मैसेज सब तक मैं पहुंचा दूंगी। क्या मैम? मैंने कहा आप फिक्र मत कीजिए, आपका मैसेज सब तक मैं पहुंचा दूंगी। जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय।